सीधा संदीप मनोर थाना से हमारे जुड़े हुए रिपोर्टर पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह से फरियादी ने हेड कॉन्स्टेबल ऊपर गंभीर आरोप लगाए, मारपीट के आरोप लगाए हैं, पैसे छिनाने के आरोप लगाए हैं, इसमें विधायक ने भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फरियादी के पक्ष में उन्होंने बोला है। विधानसभा में मुद्दा उठ चुका है, पूरा मामला क्या है? थाना क्षेत्र के दानीपुरा थाना क्षेत्र के बने सिंह नाम का युवक है जी, जो गांव के लोगों से मारपीट के घर में पथराव का मामला था जी, जिसको लेकर रात्रि को 9 बजे के लगभग थाने में मामला दर्ज कराने गया हुआ था। कब की बात है, कितनी तारीख की बात है? 21 तारीख की बात है ना? 18 मार्च। 18 मार्च की, ठीक है। 18 मार्च को जब ये मामला दर्ज कराने गया तो वहाँ पर कांस्टेबल हेड कांस्टेबल राम सिंह मिला इसे जी। राम सिंह ने इसकी कोई बात नहीं सुनी और इसके साथ मारपीट की। मारपीट कटने के साथ ही लॉकअप में बंद कर दिया जी। लॉकअप में बंद करने के बाद वापस रात को लॉकअप खोला, फिर मारपीट की और इसकी जेब से 7,600 रुपए निकाल लिए। ये फरियादी ने आरोप लगाया हेड कांस्टेबल। हाँ जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा मनोर थाना पुलिस उपाधीक्षक को दी गई थी 21 तारीख को जी। उसके बाद चलने के बाद विधायक गोविंद राजपुरे ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए बताया कि इस पर उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और अगर फरियादी को न्याय नहीं मिला तो ये विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा। जैसे विधायक ने सवाल उठाए हैं कि कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात में विधानसभा में भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा, कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व में विधायक द्वारा इस तरह के मुद्दे उठाए जा चुके हैं। मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, इसको लेकर विधायक ने पूर्व में विधानसभा में मुद्दा उठाया था जी। अब तक क्या है, पूरा जो अनुसंधान हो रहा है, पूरी जाँच हो रही है, पुलिस उपाधीक्षक उचित जाँच की मांग जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक द्वारा अभी जांच ही की जा रही है इस मामले को। अभी इतना समय बीत गया, बाकी हेड कांस्टेबल से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई विभाग द्वारा और अभी तक जांच ही जांच बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या देखने में आता है संदीप, जिस तरह से पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, पूरा हमेशा अपडेट आप बना के रखते हैं खबरों पे, प्रथम दृष्टया क्या कहता है? अगर इस तरह के पुलिस पे आरोप लगते हैं कि शराब के नशे में हेड कांस्टेबल द्वारा इस तरह के फरियादी से मारपीट की गई तो ये घटना निंदनीय है और पुलिस विभाग को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए हेड कांस्टेबल के ऊपर। ये थे संदीप जो पूरी खबर पे नजर बनाए हुए थे, और खबरों के लिए हम इनसे जानकारी लेते रहेंगे। अगर कोई अपडेट इसमें निकल के आता है संदीप और हमें बताइएगा। तब तक देखते रहिए आप खबर 24 न्यूज, आपका अपना चैनल। भाई साहब मेरे घर पर कोई पत्थर फेंक रहे थे, गुलाब चंद का लड़का है था, कुल सिंह राजा राम और उनकी लुगाया, ये पत्थर फेंक रहे थे तो मैं भागकर थाने पे गया। कब फेंक रहे थे? शुक्रवार बस कल। फिर मैं थाने पे गया तो उसको रिपोर्ट लिखाने गया तो राम सिंह हेट था, उसने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, जिसके पहले मेरे को देने लग गया। उसने मेरे दिया दे मारने के बाद में फिर मेरे को थाने में बंद कर दिया, थाने में बंद कर और मेरे को फिर रात में फिर मारा और मेरे को झूठा केस में फंसाने के लिए और धमकी और दे रहा था सर, ये बात है। और 7,000 रुपये मेरे 7,600 रुपये उसने निकाल लिया मेरे जेब चेक पर। कितने कितने कौन कौन से नोट थे? 500 का हिस्सा और 100 का हिस्सा हुए थे और उसने दारू भी पी रखी थी। तो शराब के नशे में मारपीट की? हाँ, शराब के नशे में राम सिंह ने मेरी मारपीट की। तो और भी तो होंगे वहाँ पुलिसकर्मी या और कोई नहीं कुछ नहीं? नहीं भाई साहब कोई नहीं था वहाँ। दिनांक 18 मार्च को थाना दांगीपुरा के हेड कांस्टेबल राम सिंह पर बने सिंह तंवर गुराखेड़ा द्वारा आरोप लगाए कि जबरन बंद किया गया मुझे, वह मेरी जेब से 7,600 रुपये निकाल लिए गए। इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों को मामला संज्ञान में लेकर जांच कराई जाए ताकि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो।